एक बार एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन पति जब घर से बाहर गया, पत्नी ने पालने में लकड़ी की एक छड़ी रख दी और उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया और वह फिर गाने लगी। शीघ्र ही उसने देखा लकड़ी के हाथ और पैर थे। आनंद से भर कर फिर से वो झूमने और गाने लगी। वह लंबे समय तक ऐसा करती रही और जब उसने फिर से देखा तो लकड़ी की छड़ी के बजाय पालने में एक प्यारा सा बच्चा था। महिला ने उसे उठाया और उसे खिलाया पिलाया। वह अब उसका अपना बेटा था। उसने उसका नाम पीटर रखा और पहनने के लिए उसे छोटे छोटे कपड़े दिए और एक टोपी भी बनाई। पीटर बड़ा होकर एक प्यारा सा लड़का बन गया। एक दिन पीटर अपना कोट पहनकर नदी में मछली पकड़ने के लिए एक नाव में बैठ गया। दोपहर के समय उसकी माँ नदी के किनारे गई और उसे अपने पास बुलाया। पीटर, पीटर, अपनी नाव को किनारे ले आओ जरा, मैं तुम्हारे खाने के लिए एक केक लेकर आई हूँ। तब पीटर ने अपनी नाव से कहा, छोटी नाव पास जाओ जरा। नाव किनारे तैर कर गई। पीटर ने केक लिया और दोबारा मछली पकड़ने के लिए चला गया। अब ऐसा हुआ कि एक भयानक चुड़ैल पास की झाड़ियों में छुपी थी, इसलिए महिला के घर जाने के बाद चुड़ैल ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की और फिर वह नदी के किनारे गई और वहां छिप गई। फिर उसने पीटर को बाहर बुलाया। पीटर, पीटर, अपनी नाव को किनारे लेकर आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा केक लेकर आई हूँ। जब पीटर ने उसकी आवाज सुनी, जो बहुत ऊंची और खुरदरी सी थी, तब उसे पता था कि उसे बुलाने वाली उसकी माँ नहीं, कोई चुड़ैल है। इसलिए उसने फौरन कहा, छोटी नाव, थोड़ी दूर तैरो, थोड़ी दूर तैरो। फिर ये नाव उस चुड़ैल से बहुत दूर जाकर तैर रही थी। चुड़ैल ने जल्द ही अनुमान लगाया कि आखिर मामला क्या था। वह एक लोहार के पास चली गई जो जंगल में बहुत दूर रहता था। चुड़ैल ने लोहार से कहा, लोहार मेरी बात सुनो, जितनी जल्दी हो सके मेरी आवाज नाजुक करो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। लोहार डर गया था, उसने उसकी आवाज मधुर बना दिया। अब चुड़ैल फिर से नदी के पास चली गई। वह वहां छिप गई और अपनी नई आवाज से फिर से पुकारा, पीटर, पीटर, अपनी नाव को किनारे ले आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे खाने के लिए एक छोटा केक लेकर आई हूँ। जब पीटर ने उस चुड़ैल की मधुर आवाज को सुना तो उसने सोचा, यह तो उसकी माँ है। इसलिए उसने अपनी नाव से कहा, छोटी नाव, थोड़ा पास जाओ। फिर छोटी नाव किनारे पर आई। फिर पीटर ने चारों ओर देखा पर कोई भी ना दिखा। वह सोचने लगा कि उसकी माँ आखिर कहाँ चली गई, और अपनी माँ की तलाश करने के लिए वह अपने नाव से बाहर निकल गया। चुड़ैल ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और साथ भगा कर ले गई और अपने घर की ओर चली गई। वहाँ उसने घर के पीछे उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, जब तक कि वह मोटा ना हो जाए। चुड़ैल अब घर के अंदर चली गई, जहाँ उसकी छोटी बिल्ली थी। इसी बीच पीटर की माँ उसका इंतजार कर रही थी कि कब पीटर मछली के साथ घर वापस आएगा। फिर अंत में वह उसे देखने के लिए नीचे चली गई। वहाँ उसकी नाव खाली किनारे पर पड़ी थी और उसके चारों तरफ उस चुड़ैल के पैरों के निशान थे, और तो और पेड़ों और झाड़ियों को तोड़ दिया गया था जहाँ से वे दोनों गुजरे थे। तब माँ जान गई थी कि उसके बेटे को चुड़ैल ने अगवा कर लिया है। वह रोते रोते घर वापस आई। पीटर के माँ के घर पर एक बहुत वफादार नौकरानी थी। जब उस लड़की ने अपनी मालकिन को रोते हुए सुना तो उसने पूछा कि मामला क्या है। पीटर की माँ ने उसे सब कुछ बताया जो उसने नदी के किनारे देखा था, और उसे बिल्कुल भरोसा था कि उस चुड़ैल ने उसके बेटे को कहीं छुपा दिया है। मालकिन, आप दुखी ना हो, मुझमें ऊर्जा बनाए रखने के लिए थोड़ा केक दे दो और मैं पीटर को ढूंढ कर वापस यहाँ आऊंगी। पीटर की माँ को थोड़ी शांति मिली। उसने अपनी नौकरानी को एक केक दिया और लड़की पीटर की तलाश में निकल पड़ी। वह आगे बढ़ती रही और थोड़ी देर बाद वह उस चुड़ैल के घर के पास पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और उस चुड़ैल ने दरवाजे को खोला। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? क्या तुम काम की तलाश कर रही हो? हाँ, मैं काम की तलाश कर रही हूँ। क्या आप मुझे कुछ करने के लिए काम दे सकती हैं? तुम मेरे घर आ सकती हो और मेरे घर में सफाई कर सकती हो, लेकिन यहाँ कोई ताका झांकी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम परेशानी में पड़ जाओगी। लड़की घर के अंदर गई और घर की सफाई करने लगी, और चुड़ैल अपने झाड़ू पे सवार होकर जंगल की सैर पर निकल गई। चुड़ैल के चले जाने के बाद छोटी बिल्ली ने उस लड़की से कहा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं भूख से तड़प रही हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो।
यहाँ एक केक है, मेरे पास बस यही है, लेकिन तुम इसे खा लो। बिल्ली ने केक लिया और उसे खा लिया। अब मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम उस छोटे लड़के पीटर की तलाश कर रही हो, वह घर के पीछे एक पिंजरे में कैद है, लेकिन तुम अभी कुछ नहीं कर सकती। रात के खाने के बाद प्रतीक्षा करना, जब वह चुड़ैल सोने चली जाएगी तब उसकी आँखों को तार से रगड़ देना ताकि वह उसे खोल ना सके। फिर तुम उस बच्चे के साथ जंगल में भाग जाना। लड़की ने छोटी बिल्ली को धन्यवाद दिया और उसके बताए अनुसार सभी चीजों को करने का वादा किया। फिर वह चुड़ैल रात को घर वापस आए। यह बताओ कि क्या तुम घर के चारों तरफ ताका झांकी कर रही थी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। चुड़ैल मेज के सामने बैठ गई और मेज पर रखे सारे भोजन को खा लिया, यहाँ तक कि हड्डियों को भी खा लिया। फिर वह लेट गई और जोर की खर्राटों के साथ सो गई। लड़की ने चुपचाप थोड़ा तार लिया और चुड़ैल की पलकें बंद कर दी। फिर वह घर के पीछे गई जहाँ पीटर पिंजरे में कैद था और उसे पिंजरे से बाहर निकाला और वे एक साथ जंगल में भाग गए। इधर चुड़ैल बहुत देर तक सोती रही, अंत में वह जाग गई, लेकिन वह अपनी आँखें खोल ही नहीं सकी, वे तार के कारण बंद थी। वह बहुत क्रोधित हुई, बौखला कर घर के चारों तरफ वह घूमने लगी और चिल्लाने लगी, मुझे पता है कि ये किसने किया है। जैसे ही मेरी आंखें खुलेगी मैं उसके पीछे जाऊंगी और उसे भस्म कर दूंगी। फिर उसने बिल्ली को बुलाया ताकि वह अपने नाखूनों की मदद से उसकी आंखें खोल सके। मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करूंगी। जब तक मैं तुम्हारे साथ थी, खाने के लिए तुमने मुझे बस कठोर शब्द और हड्डियां दी, लेकिन उस लड़की ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया और मुझे खाने के लिए केक भी दिया। अपनी आंखें खुद से खोलो, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई सहायता नहीं मिलेगी। और फिर छोटी बिल्ली जंगल में भाग गई। इधर वफादार नौकरानी और पीटर जंगल के माध्यम से यात्रा कर रहे थे। पीटर की माँ अपने बेटे को घर वापस सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। उसने अपनी नौकरानी को पूरे दिल से धन्यवाद दिया। सभी एक बार फिर खुश थे और वह चुड़ैल अभी भी चिल्ला रही थी और अपनी आंखें बंद कर घर में इधर उधर टहल रही थी।